हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से इस YouTube चैनल के एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि एक मार्बल के ऊपर कितने तरह की फिनिशेज होती है। गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था रेन फॉरेस्ट और विदासन मार्बल के बारे में, जिसमें बताया था उस मार्बल के बारे में, तो मैं इसमें ही उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मार्बल्स के अंदर बहुत सारी फिनिशेज अवेलेबल होती है। आज जब भी टाइल्स खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा टाइल्स में बहुत सारी फिनिशेज आती है। ग्लॉसी फिनिश आती है, सैटिन आती है, मैट आती है, शुगर कोटेड आती है, लेदर फिनिश आती है, ठीक है। तो वैसे ही मार्बल्स के अंदर भी काफी सारी फिनिशेज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं, लोगों को लगता है कि मार्बल लाके उसको बस पॉलिश करके आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मार्बल्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी ऑफ मार्बल्स है, जो कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपके लिए लेके आते हैं। आप उसको कहीं पे भी अपने घर में लगा सकते हैं और उसकी डिफरेंट जो फिनिशेज होती है उसकी वजह से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स और कंसल्टेंट की आज भी मार्बल ज्यादा पसंद होता है। और जो डिफरेंट फिनिशेज की जाती है मार्बल के ऊपर, वो डिपेंड करता है उसको यूटिलाइजेशन उस मार्बल का कहाँ होगा। आप घर में अगर लगा रहे उसको कहाँ लगाएंगे, आप उसको टॉयलेट में लगाएंगे, आप उसको आउटडोर यूज के अंदर लगाएंगे, आप उसको इंटीरियर पर लगाएंगे, आप उसको फ्लोर पर लगाएंगे या कोई और अदर यूज होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं शुरुआत करने वाला हूँ डिफरेंट फिनिशेस के बारे में। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि फिनिशेस जो होती है गाइस मार्बल के अंदर, वो बेसिकली दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल फिनिशेस वो होती है जब आप एक नेचुरल मटेरियल लेके उस मार्बल को फिनिश करते हो, जैसे क्वार्ट्स, डायमंड या स्टोन्स को, एग्जिस्टिंग स्टोन्स को लेके। लेकिन उसे क्या होता है, मार्बल पे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी और पॉलिश नहीं आ पाती, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल की तरफ जाते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर जो हमारे पास मटेरियल यूज करते हैं वो एब्रेसिव यूज करते हैं। हमने देखा होगा कार्बन डिस्क आती है उसको यूज करते हैं, उस पर सिलिकन कार्बाइड, बोरो नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट ऑक्साइड, तो ये तरह के कुछ मटेरियल्स यूज होते हैं। आप इसके बारे में गूगल पे और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ये काफी टेक्निकल है। तो सबसे पहले हम जो मार्बल की बात करते हैं वो करते हैं सॉर्ड मार्बल की। नो, नाम से पता लग रहा है कि सॉर्ड मार्बल है। देखिए, जब भी एक मार्बल्स का होता है कि माइंस होती हैं, जबकि माइंस के अंदर से मार्बल्स के ब्लॉक्स निकलते हैं और वो ब्लॉक्स फैक्ट्रीज में जाते हैं। वो फैक्ट्रीज में ब्लॉक्स जाके बड़े बड़े जो कटर्स लगे होते हैं, उस बड़े ब्लॉक्स को बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो कटर कटिंग कर देता है, जो फर्स्ट स्टेज ही होता है मार्बल का, किसी भी स्टोन का मार्बल का। तो जैसे ही कटर उसको कट करता है यूजिंग डायमंड ब्लेड्स, ठीक है, तो उसके सरफेस के ऊपर एक टेक्सचर बन जाता है कटिंग का। उस जैसे मैं फोटो में आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने दिखाया भी है, बहुत क्लोजली देखेंगे तो इसके ऊपर हल्का सा सॉ जो होता है उसका डिजाइन बनता है। तो ये एक लुक आता है इस मार्बल का। अब क्योंकि इससे क्या होता है, जो मार्बल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है इसकी स्लिप वाली, वो खत्म कर देते हैं। तो इस मार्बल को आप एक्सटीरियर में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, जो इसका बेनिफिट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्सटीरियर में ऐसी जगह लगाना है जहां पे पानी ज्यादा गिरता है और आप नहीं चाहते कि वहां पे कोई स्लिप हो, तो आप डेफिनेटली इस मटेरियल को, इस मार्बल को ले जाते हैं। जब आप वेंडर के पास जाए उसको बोले कि मुझे सॉर्ड मार्बल चाहिए, आई थिंक आपको काफी चीप भी पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड जो मार्बल है वो रफ होन्ड मार्बल है। रफ होन्ड मार्बल है जो बेसिकली क्या होता है, जब भी कटर सॉर्ड मार्बल को जब नेक्स्ट स्टेज में ले जाया जाता है, उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जाता है पॉलिश के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्क होती है वो 60 ग्रेड की होती है। बेसिकली डिस्क का भी अंदर में डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं उसको फिनिशिंग के साथ, तो 60 ग्रेड की जो डिस्क यूज होती है, उससे क्या होता है, जो इस पे कटिंग के मार्क होते हैं जो सॉर्ड की वजह से आते हैं वो हटा दिए जाते हैं और इसका जो लुक आता है बेसिकली मैट फिनिश का आता है। अगर आप टाइल्स भी खरीदने जाएंगे तो वहां पे आपको मैट फिनिश का मटेरियल मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे मार्बल के बारे में, वो है फाइन होन मार्बल। जैसा कि मैंने बताया रफ होन मार्बल्स के बाद, जो इसमें क्या होता है, जो सेम मार्बल को वापस एब्रेसिव मटेरियल यूज किया जाता है, वो 160 ग्रेड का होता है डिस्क। उसको क्या करते हैं, उसको भी इसके ऊपर पॉलिश करते हैं, काफी टाइम पॉलिश होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, जो पहले वाला मार्बल था उससे और ज्यादा ये मैट आता है। तो इसमें बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स रह जाते हैं, इसका पूरा स्मूथ फिनिश आ जाता है। तो ये भी इसको आप इजीली फ्लोरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आउटडोर फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसकी क्लैडिंग भी कर सकते हैं, स्टोन की क्लैडिंग। अब बात करते हैं पॉलिश मार्बल की। पॉलिश मार्बल सिंपल होता है, पॉलिश जैसा सुनाई दे रहा है कि पॉलिश, तो इसमें काफी ग्लॉसी सा लुक होता है। तो इसको काफी बार पॉलिश करके इसमें इतनी शाइन ला दी जाती है, जैसे आप टाइल्स में जाके ग्लॉसी टेक्सचर का टाइल्स लेके आते हैं, वैसे इसके अंदर एकदम ग्लॉसी फिनिश आ जाता है, जो कि फ्लोर के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। ये क्या करता है, बेसिकली फिनिश की वजह से जो मार्बल की पोरोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, अगर आप कुछ गिराएंगे तो वो चीज ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो थोड़ा सा अगर उस पर लाइट भी जाएगा तो एकदम ग्लॉस की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा। अब बात करते हैं चिजल मार्बल की। चिजल मार्बल बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ग्रूव आते हैं हल्के से, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली मशीन से इसको यूज किया जाता है, उसके अंदर चिजल क्रिएट किया जाता है। अब इसका जो यूज होता है,
इसको फ्लोरिंग में इसका यूज बहुत कम जगह होता है। मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो इसका फाउंटेन्स के अंदर यूज होता है। जब इसके पीछे पानी गिरता है तो एकदम से नहीं गिरता, बहुत स्लोली गिरता है। तो चिजल मार्बल कम यूज होता है, ये आपको स्पेशली ऑन ऑर्डर ही बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एंटिक मार्बल की, ये भी चिजल मार्बल की तरह ही बहुत कम यूज होता है। बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो मशीन करती है इसको इसको एक थोड़ा सा पुराना लुक देती है। मतलब इसमें जो पत्थर पे जो टेक्सचर आता है, शायद फोटो में आपको उसको क्लियर नहीं समझ में नहीं आएगा, पर मैं बता रहा हूँ, इस मार्बल पे रिंकल्स होते हैं तो ये स्मूथ नहीं होता है। मतलब इसका सरफेस एक जैसा नहीं होता, अगर आप इस पे हाथ रखेंगे तो आपको इसमें डिफरेंट लेवल्स नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा हेरिटेज लुक देने के लिए दिया जाता है। मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं जो किचन के काउंटर पे जो स्प्लैश ब्लैक होता है, स्प्लैश बैक, उस पर आप इसको इजीली लगा सकते हैं। तो ये एक वहां पे ही यूज हो सकता है या क्लैडिंग कर सकते हैं, इसका ज्यादा यूजेस है नहीं। एक आता है ब्रश हैमर मार्बल। तो बेसिकली ब्रश हैमर मार्बल ये होता है, अगर आपको एकदम रफ फिनिश चाहिए, आपको एब्रप्ट फिनिश चाहिए, तो इस मार्बल को आप, इस फिनिश को आप करवा सकते हैं। अगेन इसमें क्या होता है, 1-3 mm डीप होल्स हो जाते हैं। अगेन ये आपको बहुत ही रस्टिक लुक देता है और ये आउटडोर यूजर्स के लिए होता है। अब बात करते हैं सैंड ब्लास्टेड मार्बल की। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के जो बहुत पार्टिकल्स को स्टोन पे ब्लास्ट किया जाता है, ये एक स्पेशल मशीन के थ्रू होता है और इसकी मेरे हिसाब से काफ़ी कम जगह यूनिट्स होती है। और इसको ब्लास्ट करके इसका एक टेक्सचर बना दिया जाता है जो फोटो में दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें एक्चुअली मेरा मानना है, अगर आप जब भी साइट पर जाएंगे, आप कभी किसी वेंडर के पास जाएंगे, उनके पास जाके ये सारी चीज़ें पूछें और इसको टच एंड फील करके देखेंगे, तभी आपको एक्चुअल में मज़ा आएगा। तो इसका भी जो यूज़ है वो क्लैडिंग के लिए हो सकता है और फाउंटेन के लिए हो सकता है। हमारा जो सेकंड लास्ट है वो स्प्लिट फेस मार्बल। इसमें चिजल यूज करके मार्बल्स के अंदर कहीं ना कहीं गैप दिया जाता है, 4 inches पे 6 inches पे थोड़ा सा लुक दिया जाता है, थोड़ा सा इसको एब्रप्ट लुक देने के लिए और एक क्लैडिंग के हिसाब से स्पेशली होता है। अगर आप एलिवेशन देना चाहते हैं तो आप स्टोन का अच्छे से एलिवेशन दे सकते हैं। लास्ट है हमारा फ्लेम फिनिश मार्बल। आई थिंक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इस मार्बल को, इसके सरफेस पे इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। तो फोटो में आप देख सकते हैं, एक आदमी ने एक रॉड पकड़ी हुई, उसके अंदर से फायर निकलती है, उसको पूरे को जलाया, एक तरह से मार्बल को पूरा सा पूरा जलाया जाता है। उसके बाद पानी भी डाला जाता है ठंडा करने के लिए। इसके ऊपर इसको पूरा जला के इस पर कुछ डॉट्स आ जाते हैं, तो एकदम इसकी पॉलिश हट जाती है और एकदम ये रफ टेक्सचर देता है। तो फ्लेम फिनिश मार्बल है, अगेन ये भी एक इंटरेस्टिंग है। तो गाइज ये अराउंड 10 फिनिशेस थी मार्बल्स की। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप अपनी मर्जी से मार्बल्स को ना लगाएं, आप डेफिनेटली अपने कंसल्टेंट आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को इस चीज के लिए हायर करें कि आपको कौन सा मार्बल कहाँ पे प्लेस करना है। हर एक मार्बल, हर एक फिनिशर्स की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है और उसको डिफरेंट जगह के लिए ही यूज किया जाता है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें, अगर आप घर बनाना चाहते हैं और मार्बल्स कंसिडर कर रहे हैं और फिनिशेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लेके जाएं और इस मार्बल को वहां पे लगवाएं। तो गाइज बाकी सिमिलर फिनिश आपको मार्बल टाइल्स के अंदर ही मिल जाती है, तो लेकिन मुझे लगता है मार्बल एक नेचुरल मटेरियल है, अगर आपको लगता है कि मार्बल ही जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाया थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। बाकी मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा, हो सकता है मैं कुछ प्रैक्टिकल स्पॉन साइट ले जाके भी मार्बल्स को एक्सपोज करवाऊँ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।